हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि जेईई मेन सेशन वन जो आपका हुआ था 2024 का, उसके लिए आप अपनी आंसर की कैसे मैच कर सकते हैं, और इन केस अगर आपको ये लगता है कि आपका कोई आंसर सही है और आंसर की में दिया गया आंसर गलत है या फिर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम थी, तो आप उस क्वेश्चन को जेईई मेन्स के सामने चैलेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े हेडिंग्स में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जेईई मेन्स 2024 सेशन आंसर की चैलेंज इज लाइव, ठीक है। तो आप अभी इस टाइम में रहते हुए आप इसको तुरंत से तुरंत चैलेंज कर सकते हैं, और इन केस ये ड्यूरेशन खत्म हो जाएगी तो आप इसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे, और अगर आपका कोई क्वेश्चन सही भी होगा तो वो फिर कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अभी से चैलेंज कर सकते हैं। बाकी हम ये देख लेते हैं कि आंसर की चैलेंज में जो है रिशेड्यूल हुआ है, इसके बारे में एक जानकारी क्या है इसमें चैलेंज टाइम का, कि आप देख सकते हैं कि जेईई मेन सेशन 2024 का सेशन वन जो था वो 7 फरवरी टू 9 फरवरी, ठीक है, अप टू 11 PM। तो जो आपकी आज की डेट है, आज आपकी 8 है, तो आप कल तक 11 बजे तक आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, चाहे वो बीटेक का हो, चाहे बीआर, बी प्लानिंग किसी का भी हो, आप उसको कल तक ही रिपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। और आपको ये चैलेंज करने के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जो नॉन रिफंडेबल है, आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, आपका क्वेश्चन जो चैलेंज है वो सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है, तो आपको ₹200 200 ओनली, तो एज पर द प्रोसीजर ये आपको किया जाएगा। बाकी हैव रिसीव ड्यू टू एनी टेक्निकल ग्लिच इन द सर्वर, कि जो मतलब अगर आप किसी भी वजह से एग्जाम देते समय आपको कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया, या फिर आपका जो डिजिट वगैरह है भरने में आंसर काम वाम नहीं किया, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई थी, तो उसमें आप चैलेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि क्या प्रोसीजर रहेगा अगर आप आंसर की चैलेंज करना चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले इस वाली वेबसाइट पे आना है, फिर चैलेंज पे जाना है और अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू लॉगिन करना है। फिर आपको वहां पर सेलेक्ट करना है चैलेंज की, मतलब जिन आंसर्स को आप चैलेंज करना चाहते हैं, और ये सब करने के बाद आपको क्वेश्चंस जो दिखेंगे इस ऑर्डर में कि 30-30 क्वेश्चंस मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री फॉर बीटेक स्टूडेंट एंड बीआर, बी प्लानिंग रिस्पेक्टिवली, आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके, और फिर लास्ट में आपको 200 पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये था आंसर की चैलेंज करने का प्रोसेस और आंसर की आप कैसे मैच कर सकते हैं। बाकी आपको इस पे अभी मैं आप डिटेल वीडियो कॉलेज के बारे में और जो कट ऑफ होंगे जेईई मेंस के क्या हो सकते हैं सेशन वन के लिए अलग अलग डेट के लिए, ठीक है, इसके बारे में हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आप काउंसलिंग के एंड तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम काउंसलिंग के बारे में, चाहे वो यूपीटीयू की हो, एचपीटीयू की हो, चाहे MUT की हो, चाहे जेईई मेंस जो सा सीस है, सबके बारे में यहाँ पर डिटेल में आपको बताया जाएगा सारी चीजें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।